ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको अल्बर्ट हॉल की जानकारी दिखाई थी और अब आपको हम उस तथ्य से रूबरू कराएंगे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। पिंक सिटी के अल्बर्ट हॉल में हम आपको एक ताबूत मिलेगा। इस ताबूत में 2500 साल पुराना राज बंद है। हालांकि बाहरी रूप से आप इस राज को देख तो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल में एक ऐसी चीज है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसे देखते हैं, लेकिन उनके आंखों पर विश्वास नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि ये झूठ है, फरेब है, लेकिन 2500 साल पुरानी ये चीज अपने आप में चिकित्सा जगत का अद्भुत नमूना पेश करता है। क्या है विशेष और रहस्यमय वस्तु, देखिए इस रिपोर्ट में। इस ताबूत में एक शव है। आप सोच रहे होंगे कि अल्बर्ट हॉल जैसी खूबसूरत जगह पर शव का क्या काम, लेकिन आपको बता दें कि यह शव अल्बर्ट हॉल की कई खूबियों में से सबसे ऊपर स्थान पर है। यह शव 2500 साल पुराना है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि शव जस का तस है। यह शव सड़ा गला नहीं है। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि इस शव पर आधुनिक मसाला लगाकर रखा गया है, जिसकी वजह से यह शव ताजा दिख रहा है। अगर आप अचानक इस शव को देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि यह ताजी है। इस शव का भी अपने आप में एक इतिहास है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अब हम उस बाग पे मौजूद हैं, जहां पर एक रहस्य विद्यमान है, जहां एक ऐसी लाश है जिसे ना तो दफनाया जाता है ना कभी जलाया जाता है। यह लाश मम्मी की है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक आते हैं, लोग आते हैं, देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। ये जो लाश है इसकी एक अपनी दास्ता है, इस दास्ता जो कि अपने आप में एक कहानी बयां करती है। जी आपको बताते हैं कि तूतू नामक महिला की मम्मी है। ये महिला का परिवार खेम नामक देव के उपासक पुरोहित परिवार में था। ये महिला की मौत लगभग 55 से 60 साल की उम्र में हुई थी। वही महिला को मम्मी मिस्र के प्राचीन नगर पेनोपोलिस के अखमीन क्षेत्र में बनाया गया था। आपको बता दें कि मिस्र में मेमिफिकेशन के लिए जाना जाता है। इस हाल में बहुत कुछ है और आपके मन में लुभा सकता है। इस शव के बारे में विजिटर्स का कहना है कि ये असली बॉडी नहीं है, लेकिन लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए 2011 में इसका एक्सरे डिस्प्ले किया गया। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो मम्मी का यहाँ रखा हुआ है, मैंने पहली बार यहाँ जयपुर में देखा। मुझे आइडिया भी नहीं था जयपुर में इस तरह का कोई चीज रखी हुई है, और जो ये एक्सरे यहाँ रखे हुए हैं उससे ये पता चल रहा है कि वास्तव में इसके अंदर कुछ ना कुछ लाश है, जो काफ़ी एक्साइट करती है। वास्तव में ये देखने लायक चीज़ें हैं। आपको कैसा लग रहा है आप यहाँ पे आए अल्बर्ट हॉल में, क्या विशेष लगा, क्या खास लगा? या फर्स्ट टाइम आई विजिटेड टू अल्बर्ट हॉल एंड आई एम फीलिंग वेरी मींस वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस जयपुर। या द मम्मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट मींस वी हैव नेवर सीन मम्मी बिफोर हियर इन जयपुर। So, साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि मम्मी डिफरेंट है, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? सर हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा? अरे जयपुर में आए, ये हमारी पुरानी धरोहर है, जो इस धरोहर को इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये हम लोग के नसीब की बात है कि हम लोग देख पा रहे हैं। ये असली ये हम अभी भी नहीं जान पा रहे हैं, ये आप बता रहे तो हम जान रहे हैं कि हाँ ये असली है। 2500 साल पुरानी इस लाश का रहस्य नहीं रह जाए, इसके लिए 2011 के अंदर एक टीम आई थी, जिसने आप देख सकते हैं कि ये लाश है, ये वास्तविकता दिखाने के लिए इसके एक्सरे कराए गए, इसके विभिन्न पार्ट जो बॉडी के विभिन्न पार्टों के एक्सरे कराए गए। ये देख सकते हैं आप मस्तिष्क का एक्सरे, ये मस्तिष्क का एक्सरे, ये बीच का एक्सरे। तो कहीं ना कहीं इसको वास्तविकता दिखाने के लिए 2011 के अंदर पुरातत्व विभाग और जो ईरानी जो लोग थे उन्होंने मिलकर इस तरह का एक्सरे कराया। कहीं ना कहीं जो वास्तविकता दिखाने के लोगों को पहले संदेह होता था कि ये लाश है या ऐसे ही रखी हुई है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का ये स्थान भी अहम है। तस्वीरों में दिख रही ये मूर्तियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिन्हें देश के कई इलाकों से यहां लाकर रखा गया है।
इस म्यूजियम को देखने से बच्चों में और इनमें जागरूकता आती है कि हमारे पुराने पाषाण काल में क्या था क्या नहीं। ये बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले भी मैं 1980 में यहाँ पर आया था इसे गार्डों की मम्मी देखने के लिए, पर अभी से उससे अभी मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और बहुत ही अच्छा लगा हमारे को। साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये मूर्तियाँ हैं वो अद्भुत है, अपने आप में कई कहानियाँ बयां कर रही हैं ये मूर्तियाँ। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ये मूर्तियाँ हैं वो बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं, कोई 1700 ईस्वी की, 1600 ईस्वी की है, कोई 10वीं ईस्वी की भी है। ये मूर्तियाँ कहीं ना कहीं कोई हनुमान की मूर्ति है, कोई अन्य कई भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ मौजूद है। ये जयपुर से जुड़ी हुई भी कई पुरानी मूर्तियाँ यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको एक चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति बताऊंगा जिसके बारे में एक ऐतिहासिक घटना है। चतुर्भुज की मूर्ति किस पत्थर की बनी है उसके बारे में बताऊंगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मदरामपुरा सांगनेर से प्राप्त विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति काले पत्थर में बनी हुई है। 12वीं शती में ये मूर्ति चारों हाथों में अपने आयुध शंख चक्र व पद्म के माला के साथ लिए हुए, ऊपर सस्यदस्य ब्रह्मा और सर शिव की प्रतिमाएं, मध्य के अंदर भक्ति दंपति, नीचे सेवक और चक्र शंख पुष्प मौजूद है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मूर्तियां हैं जो अपने आप में एक दास्ता है, कहानी को बयां करती है जो कि उस समय खुदाई में निकली थी। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का ये स्थान शस्त्रागार के रूप में है, लेकिन यहाँ के शस्त्र उन रजवाड़ों के हैं जिन्हें युद्ध के वक्त इस्तेमाल किया गया। पुराने समय के अंदर जब युद्ध होता था राजा रजवाड़ों के समय में, तो किस तरह के आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि दृश्य देख रहे होंगे कि किस तरह की तलवारें होती थी, किस तरह के ढाल होते थे। अलग अलग तरह की यहाँ पे तलवारें रखी हुई है, मुगल फरसा रखा हुआ है, गुंजा रखा हुआ है, विभिन्न प्रकार की फरसे रखे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की तलवारें रखी हुई हैं, ढाल रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ढाल हैं। ये ढालों को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पंजाबी ढाल भी है, आफ्ताबी ढाल है, ऊँट की खाल का ढाल है, बुरमी छुरी है, ढाल है, बर्मी छुरी है, हाथों के दस्ताने हैं नेपाली, किस अलग अलग तरह के जो हथियार हैं वो यहाँ साफ तौर पर दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक कहानी बयां कर रहे हैं कि राजे रजवाड़ों के समय में किस तरह से युद्ध होता था, किन किन हथियारों के माध्यम से युद्ध होता था। कहीं ना कहीं इसको देख कर लोग अप्रसन्न हो रहे हैं। देशी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक भी यहां के नजारे देखकर उत्साहित हैं। यहां रामायण काल का एक भित्ति चित्र भी है जिसे अकबर के लिए तैयार किया गया था। It's amazing. The architecture is truly stunning. It's like a wedding cake. बहुत बढ़िया लगा। तो हम तो पहली बार आए हैं जहाँ, देखा आपने तो बहुत अच्छा था। मम्मीज थी वहाँ पुरानी, जो राजे महाराजों के बस्तर गहने, जो सभी औजार बंदूकें, ऐसा जो बहुत अच्छा लगा देख। सब अच्छा था, मतलब हर चीज़ नई देखने वाली थी, जैसे कि महाराजाओं के मतलब हर चीज़, हम उनका कल्चर सब कुछ जान सकते हैं अंदर जाके। मम्मी इज अमेजिंग, मतलब हमें तो पता भी नहीं था, अब गाइड टेलर्स की मतलब यहाँ पे मम्मी भी है, तो हमें मतलब नहीं डर नहीं लगा, मतलब डिफरेंट था ये। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज मतलब थॉट प्रोसेस उनका ही का, उन्हीं लोगों का, उन्होंने स्टार्ट किया ना इसको, उन्होंने थॉट प्रोसेस दिया, फिर उसको इंडियन कल्चर ने कैरी किया, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं मतलब बेसिक कंसेप्ट उन लोगों का था ना कि भाई कोई आइडिया दिया उन्होंने और फिर जो भारतीय राजा थे उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया उसको, तो मेरे को नहीं लगता कि इसका नाम चेंज करना चाहिए। आई थिंक सो ये ठीक है उनके हिसाब से। यहाँ ऐतिहासिक सिक्कों और रुपयों का भी लाजवाब संग्रह है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मुगल काल के सिक्के हैं, दिल्ली सल्तनत के सिक्के हैं, फारसी सिक्के हैं और अरबी सिक्के हैं। सो सभी प्रकार के सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं। जो करेंसी थी उस समय की वो यहाँ पे दर्शाई गई है, उस समय के सिक्के हैं वो दर्शाए गए हैं। वहीं अब आप आपको दिखाएंगे वो स्थान जहाँ पे यहाँ पे जो प्रदर्शित कर रखा है, ये उस समय का एक आना आठ आना और उस समय का जो रुपया था, उस समय का जो पैसा था, उस समय की जो करेंसी थी, उस समय की करेंसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं आप, आठ आना, एक आना, सवा रुपया। तो कहीं ना कहीं उस समय सवा रुपये की भी बड़ी वैल्यू होती थी। उस समय की जो करेंसी है, उस समय के जो पोस्टल ऑर्डर है, वो पोस्टल ऑर्डर है, उनको भी दिखाया गया है। यहाँ लोग भी आए हुए हैं। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? यहाँ आकर के बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम पुरानी उसमें पहुँच गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इन लोगों ने इस पुरानी चीज़ों का ऐसे तरीके से
रोक रखा है, संभाल कर रखा हुआ है, जिससे हमें ऐसा लगता था कि हम अपने पुराने अतीत में पहुंचे हुए हैं। हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। साथ ही ऐतिहासिक वाद्य यंत्रों का संग्रह भी है। तो पुराने समय में संगीतकार होते थे, गीतकार होते थे, राजा महाराजाओं के पास जो गाना गाते थे वो किस तरह के वाद्य यंत्रों का उपयोग करते थे, कैसे ढोलक होते थे, कैसे सितार होते थे, कैसे वादक होते थे, आप देख सकते हैं साफ तौर पर दृश्यों में कि इस तरह की ये जो वाद्य यंत्र है उनका प्रयोग होता था, इस तरह की जो शहनाई है उस तरह का उनका प्रयोग होता था, मशाक का, तुड़की का प्रयोग होता था, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ शहनाई है, टाइप ऑफ ये वाद्य यंत्र है यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो वीणा है उसका भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और भी कई तरह के प्रदर्शन किए गए हैं। तो ढोलक को, अलग अलग ढोलकों के प्रदर्शन किए गए हैं और कुछ लोगों से भी यहाँ बातचीत कर लेते हैं उनका क्या कहना है। साफ तौर पे आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ ये वाद्य यंत्र यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, यहाँ लोग भी जुड़े हुए हैं, वो भी आए हुए हैं दर्शक, उनसे भी बातचीत, तो कैसा लगा? हाँ, इट्स गुड कि आप पुरानी चीज़ों को आज देख सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या, हमें एक्चुअली पता नहीं था कि क्या क्या चीज़ें होती थी। एक्चुअली वो सारी चीज़ें देख रही हूँ, ब्रिटिशर्स के ज़माने की कॉइन्स जो एक्चुअली में आज हम नहीं देख सकते हैं, और आज बच्चों को एटलीस्ट मैं दिखा भी सकती हूँ कि हाँ ये चीज़ें हुआ करती थी जो अब नहीं दिखती हैं। 131 साल के अल्बर्ट के नज़ारे आकर्षक हैं। जिसे देखकर यहाँ आने वाले लोग मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते, वो भी क्यों ना। अपनी टीवी स्क्रीन पर जब आप अल्बर्ट हॉल को देखकर इतने खुश हो रहे हैं तो जरा सोचिए यहाँ घूमने वालों को कितना आनंद यहाँ आता होगा। तभी तो कहा जाता है कि अल्बर्ट हॉल विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में ऐसे ही नहीं गिना जाता। जयपुर से जितेश जेठानंदानी, इंडिया न्यूज, राजस्थान।